गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार मुझे सभी लोग बता दो, क्या आवाज क्लियर आ रही है? क्या वीडियो क्लियर आ रही है? स्टार्ट बिल्कुल हो चुका है मोहित? ठीक है, एक बार मुझे कंफर्म कर दो क्या ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है, ताकि हम आज की बातचीत शुरू कर सकें। गुड आफ्टरनून। प्रद्युम्न गुड इवनिंग। ठीक है, जिसने जो बोला वही स्वीकार है। मनीष, चंद्रा गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग? काफी दिन हो गए हमें मिले हुए। चंद्रा, मोहित से तो खैर सुबह ही मिले थे, या कुछ लोगों से जब YouTube पर मिलते हैं तो कम मिल रहे होते हैं कभी कभी। क्लियर है मनीष सब चीजें? बहुत बढ़िया, सब ठीक है। कैसी चल रही है सभी लोगों की तैयारी? आई थिंक सभी के सभी लोग जो इस बार के एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे फिर वो सीयूटी हो चाहे डीयू का एग्जाम हो, सभी वो एग्जाम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, है ना? सभी क्लियर है? अनुपम, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। रितु, वेरी गुड इवनिंग। यानी कि जो लोग रेगुलरली क्लासेस लगा रहे हैं, मैं यहाँ पर सभी के नाम देख पा रहा हूँ, यानी कि वो लगातार सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, जो सीखने का प्रयास करता है वो हमेशा कुछ ना कुछ अपनी चीजों को बेहतर करता ही रहता है, ठीक है? तो ये जो प्रयास है बहुत मायने रखता है। रितु, चंद्रा, मैं देख रहा हूँ कि लगातार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लगातार मेहनत करते हैं, हर सेशन में चीजों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही शानदार चीज है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो आज की बातचीत शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक अच्छे क्वेश्चन के साथ बात शुरू करते हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो और हम कुछ अच्छी बातें, कुछ खास बातें साथ में मिलकर सीख रहे हो। यदि मेरे पास एक सेट दे दिया जाए, मान लो हमारे पास एक सेट है उन सारे के सारे नंबर्स का, सेट नाम दे देते हैं, चलो सेट है ए, उन सारे के सारे रैशनल नंबर्स का, सच दैट क्यू स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एज अ हमारे पास क्या है, सबसेट ऑफ द मैट्रिक्स पे। एज अ सबसेट ऑफ द मैट्रिक्स पे हमें पता है कि सारे के सारे नंबर क्या आ रहे हैं, रैशनल नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है हमारे पास, कि ये सबसेट हमें आसानी से दिख रहा है कि Q अंडर D का अपने पास यहाँ पर सबसेट बन रहा होगा। अब यहाँ पर Q अंडर D, अगर मैं मैट्रिक स्पेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हमें मैट्रिक पता होनी चाहिए क्या है। मैट्रिक हमारे पास यहाँ यूजुअल मैट्रिक है, वेयर डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई। काफी शानदार कॉन्सेप्ट, इस पर अगर सवाल आता है तो बहुत शानदार बातें वहां पर आपसे पूछी जा रही होंगी, और हम इसके कॉन्सेप्ट्स को भी इतनी अच्छी तरीके से करेंगे कि आज के बाद आपका इस टॉपिक पर आया हुआ सवाल कभी भी ऊपर से नीचे नहीं हो रहा होगा, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सवाल को ट्राई करना, और फिर हम इसे साथ ही मिलकर सीख रहे होंगे। ऑप्शन कहते हैं, ऑप्शन ए क्लोज होगा बट ओपन नहीं होगा क्यू में, एक ही सवाल बट बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमें सिखाता हुआ आगे ले जाएगा, ओपन बट नॉट क्लोज्ड इन क्यू। नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड इन क्यू, एंड लास्ट ऑप्शन इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इन क्यू। पहले सवाल को समझो, सवाल क्या कह रहा है। हमें पहले एक बात तो अच्छे समझनी पड़ेगी यहां पर, कि हमारे पास यदि हम बात करते हैं R में या फिर उसके सबस्पेस में, दोनों में किसी सेट को ओपन कहने का या क्लोज कहने का हमारे पास अलग अलग तरीका होता है, ठीक है? पहली चीज, जब भी हम इन जनरल बात कर रहे होते हैं कि मेरे पास ये सेट ओपन है ये सेट क्लोज है, तो हम सीधा आर में बात कर रहे होते हैं। बट पहला डिफरेंस जो हमारे पास यहाँ पर है, वो हमें देखना है कि वो हमारे पास क्या है। अब हमें बातें क्यू में पूछी गई है, क्या ये जो ए है क्या क्यू में ओपन है, क्या ये क्यू में क्लोज है, उस तरीके की बातें पूछी गई हैं, ठीक है? तो ये आइडिया हमें क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद हमें इस सेट के बारे में बातें बतानी है कि ये क्यू में ओपन होगा क्यू में क्लोज होगा, इस तरह की बातें हमें यहां पर करनी है। एक बार सभी लोग ट्राई करो इस सवाल को, मुझे जल्दी से जवाब बताओ। एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो और जवाब बताओ, देखते हैं कि कौन सबसे पहले और सबसे सही जवाब देता है। स्पीड के साथ साथ अब आपकी एक्यूरेसी भी मायने रखती है, ठीक है? जल्दी जल्दी में ये नहीं करना कि कोई ऑप्शन छोड़ दिया
या गलत लगा दिया, जल्दी करना है, सही आंसर देना है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा। मुझे बताओ किस किस को इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं और किस किस को काफी परेशान करते हैं। किस किस को इस तरह के जहां पर हमें पूछ लिया जाता है किसी सबस्पेस में ओपन या अपने पास क्लोज के बारे में, ऐसे सवालों में दिक्कत आ रही होती है, जल्दी से मुझे बताओ। अगर दिक्कत आ रही होती है तब भी बताओ, अगर जवाब आ गया तो उससे शानदार बात तो कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, दिक्कत होगी तो हम तो सीखने के लिए तो बैठे हुए हैं महाराज, तो हम सीखेंगे। देखते हैं क्या जवाब आने वाला है। सवाल अच्छा है तो दम लगेगा, ठीक है। और जी देखो, हमेशा याद रखो हमारे पास क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मायने रखती है। हमें वो सवाल इस समय पर सबसे ज्यादा बेहतर होंगे जो हमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाएं, साथ ही साथ हमारे कॉन्सेप्ट्स को बेहतर कर रहे हो, ठीक है। अब आपसे सीधा ये पूछ लेना कि मेरे पास क्या क्लोज वन से टू अपने पास क्लोज होगा या नहीं, आप इन सभी चीजों में महारथी बन चुके, ठीक है, इन सभी चीजों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चंद्रा को नहीं आता कोई बात नहीं, देखो हम यहां पर साथ में सीखने के लिए बैठे हैं। ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास यदि पहले मैं सेट ए का चेहरा देखना चाहता हूं कि ये सेट ए, अपने पास जो सेट ए है ये असल में है क्या, इसे देखने की कोशिश करते हैं। सेट ए मेरे पास क्या बनेगा, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं सच दैट जिनका स्क्वेयर टू से हमारे पास बड़ा या बराबर आ रहा होता है, ठीक है। अब टू से बड़ा या बराबर मुझे यहां पर चाहिए क्यू स्क्वेयर, तो मुझे पता है कि क्यू स्क्वेयर टू से बड़ा या बराबर कब होता है, यदि मेरे पास क्यू स्क्वेयर माइनस टू जीरो से बड़ा या बराबर होता है, आसान चीज। ये कब होगा, यदि मेरे पास क्यू प्लस रूट टू इंटू क्यू माइनस रूट टू जीरो से बड़ा या बराबर होगा। यहां पर जैसे मुझे ये इनइक्वालिटी नजर आती है मुझे अपना मेथड याद आता है, वेवी कर्व। कैसे, स्टेप वन होता है क्या, पहले रूट्स प्लॉट कर लिए जाते हैं, प्लस रूट टू माइनस रूट टू, ये रहा माइनस रूट टू, ये रहा प्लस रूट टू। फिर राइट हैंड साइड से हमारे पास एक वेव लेकर आते हैं, हम किस तरीके से, यहां से एक वेव लेकर आते हैं। फिर हम बात करते हैं क्यू माइनस रूट टू का मेरे पास जो पावर है वो इवन है या ओड है, यदि ओड होता है तो वेव क्रॉस कर जाती है लाइन को, यानी कि यदि ऊपर से आ रही है तो नीचे चली जाएगी, नीचे से आ रही है तो ऊपर चली जाएगी। अब q माइनस रूट टू की पावर क्या है, वन, यानी कि ओड। फिर q प्लस अपने रूट टू की पावर भी कितनी है, ओड है, यानी कि अपने पास वेव कुछ ऐसी बन जाएगी। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं साइन की तो अपने पास इस लाइन से ऊपर जो भी है पॉजिटिव है, नीचे है जो वो भी वो अपने पास नेगेटिव आ रहा होगा। चाहिए क्या हमें, वो q यहां पर चाहिए सच दैट मेरे पास q प्लस रूट टू इंटू क्यू माइनस रूट टू जीरो से बड़ा या बराबर आ रहा हो, तो पॉजिटिव चाहिए, यानी कि मेरे पास q बिलोंग कर रहा होगा किसमें, माइनस इनफिनिटी से क्लोज माइनस रूट टू, क्योंकि इक्वल टू जीरो भी चलेगा हमें, यूनियन क्लोज टू टू क्लोज रूट टू से लेकर ओपन इनफिनिटी तक हमारे पास, ठीक है। हमें यह बात अब समझ आती है कि मेरे पास q क्या बन गया, अगर q स्क्वायर को 2 से बड़ा या बराबर होना है तो q को मेरे पास माइनस इनफिनिटी से माइनस रूट टू के बीच का नंबर होना पड़ेगा या फिर रूट टू से इनफिनिटी के बीच का एक नंबर होना पड़ेगा, ठीक है। बट सेट ए मेरे पास ये सेट नहीं बना माइनस इनफिनिटी से माइनस रूट टू यूनियन रूट टू से, सेट ए मेरे पास उन सभी रैशनल नंबर्स की कलेक्शन है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जिसके लिए क्यू स्क्वेयर 2 से बड़ा या बराबर आता है, हमें ये बात क्लियर है। विच मीन्स मेरे पास क्या है, सेट ए कुछ और नहीं जो ये मेरे पास सेट बना माइनस इनफिनिटी से माइनस रूट टू यूनियन क्लोज रूट टू से इंफिनिटी, इस सेट में मौजूद रैशनल नंबर्स है। स्टेप वन तक मुझे बता दो किस किस को बात क्लियर है, जिसको यहां तक कहानी आ गई उसके बाद तो हम आराम से देख लेंगे। स्टेप वन किसे किसे क्लियर है, जल्दबाजी नहीं करनी है, अगर कुछ बेहतर सीखना है तो हमें सबसे पहले धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। सब्र करेंगे तो अच्छी चीजें सीख रहे होंगे, ठीक है। रितु आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो इसमें मजेदार चीजें देखने की कोशिश करना। एक बार मुझे बता दो किस किस को स्टेप वन तक बातें क्लियर है, जल्दी से कमेंट करो और बता दो कि स्टेप वन डन, स्टेप वन क्लियर, स्टेप वन तक हम लोग साथ हैं, स्टेप वन तक हमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, जल्दी से बता दो किस किस को यहां तक की कहानी क्लियर है। चंद्रा बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बाकी लोग मुझे बताओ क्या कहानी है। अनुपम, मोहित, ऋतु, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
अगर हम यहां तक साथ हैं तो आगे की बात तो बहुत आसान है। गुड इवनिंग इशू, आगे की कहानी हमारे पास क्या बनती है? अगर ए मेरे पास ये आ गया, अब यहां पर ध्यान से बात देखने की कोशिश करना। आप जानते हो पहली चीज, अगर किसी को याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि हमारे पास हम किसी सेट को आर में ओपन या क्लोज कब कह रहे होते हैं, है ना? मेरे पास हम किसी सेट को आर में ओपन कब कहते हैं? यदि मेरे पास उसका जो इंटीरियर है ए इंटीरियर, या फिर मैं एस के बारे में बात करूं कि मेरे पास एस सबसेट ऑफ रियल नंबर ओपन कब होता है, यदि मेरे पास एस बराबर एस इंटीरियर आ जाए, ठीक है, ये बात हम जानते हैं, तो सेट बन जाता है ओपन सेट। सिमिलरली यदि मेरे पास एस डैश सबसेट ऑफ एस बन जाए, तब हमारे पास क्या होता है, सेट बन जाता है क्लोज सेट। इसी बहाने थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन याद कर लेते हैं, इंटीरियर पॉइंट क्या हुआ करते थे। मेरे पास अगर कोई एस कोई सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो हम ए को इंटीरियर पॉइंट कब कहते हैं, यदि ए सेट एस के अंदर बैठा हो, साथ साथ अपने अराउंड एक ओपन इंटरवल लेकर सेट के अंदर बैठा हो। अगर मैं उन सारे इंटीरियर पॉइंट की कलेक्शन करूं और वो सेट एस के बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सेट मेरे पास ओपन सेट है, ठीक है। फिर लिमिट पॉइंट के बारे में बात आती है कि मेरे पास अगर कोई एस सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो किसी रियल नंबर एल को हम कब कहते हैं कि वो मेरे पास लिमिट पॉइंट बन रहा है सेट एस का, यदि उसके अराउंड हर आर रेडियस के नेबरहुड में एल माइनस आर से एल प्लस आर में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स आते हो सेट एस के, तब हम कहते हैं कि मेरे पास एल इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट एस। यदि सारे लिमिट पॉइंट्स को इकट्ठा कर देते हैं तो ये सेट मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, डिराइव्ड सेट। यदि मेरे पास एक सेट अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन करता हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्लोज सेट। आई थिंक ओपन क्लोज की यहां से कहानी सभी को क्लियर हो गई होगी। अब ओपन क्लोज अगर हमें क्लियर है इन आर, तो समझने की कोशिश करना, जब मैं ओपन सेट के बारे में बात करता हूं, कैसा चेहरा नजर आता है, जीरो से वन ये ओपन होगा मेरे पास आर में, क्लोज कैसा होगा, क्लोज जीरो से फाइव ऐसा होगा, क्लोज जीरो से इंफिनिटी ऐसा होगा, ये सारे के सारे क्लोज सेट हमारे पास बन रहे होंगे। अब बात है मेरे पास ओपन या क्लोज इन क्यू, ठीक है, मुश्किल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, फोकस नहीं जाना चाहिए। ओपन या क्लोज के बारे में अगर मैं बात करता हूं इन क्यू, तो हम किसी सेट को कब कहते हैं कि मेरे पास वही सबस्पेस में ओपन है या क्लोज है, यानी कि मैं कब कहूंगा कि मेरे पास कोई सेट ए ओपन है इन क्यू, हम कब कहेंगे कि मेरे पास सेट ए ओपन है इन क्यू, यदि मेरे पास एक जी, हमारे पास एक जी ओपन सबसेट ऑफ आर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, यदि मेरे पास जी एक ऐसा ओपन सबसेट ऑफ आर एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट ए इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन क्यू आ जाए, ये होना चाहिए ओपन इन आर, तब हम कहते हैं कि मेरे पास ए क्या बनेगा, ओपन इन क्यू। बेसिकली हमारे पास सबस्पेस में ओपन या क्लोज करने के लिए, बात करने के लिए हमें इस तरह की चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। सेट ए को ओपन इन क्यू कब कहा जाता है, यदि मेरे पास एक जी ओपन सबसेट ऑफ आर एग्जिस्ट करे, सच दैट ए इक्वल टू जी इंटरसेक्शन क्यू बन जाए। दूसरी बात, हम कब कहते हैं कि मेरे पास एक क्लोज है इन आर या क्लोज है इन क्यू, यदि मेरे पास एक सेट जी ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट जी इंटरसेक्शन क्यू हो और जी मेरे पास क्लोज इन आर हो, इसका मतलब क्या होता है कि ए मेरे पास क्लोज है इन क्यू। सभी को बात क्लियर है, हमारे पास यदि हमें बताना है कि जी, मेरे पास जो सेट ए है वो ओपन है इन कहां पर, क्यू, तो मुझे उसे जी इंटरसेक्शन सेट ऑफ रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जहां पर जी को ओपन दिखाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे दिखाना है कि मेरे पास एक क्लोज है इन सेट ऑफ रेशनल नंबर इन क्यू, तो मुझे उसे जी इंटरसेक्शन क्यू में दिखाना पड़ेगा, जहां पर जी क्लोज है। स्टेप टू, मुझे बताओ किस किस को कहानी यहां तक क्लियर हुई। स्टेप वन में हमने काफी सारी बातें सीखी, स्टेप टू में हमने देखा कि ओपन इन क्यू और क्लोज इन क्यू की कहानी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसके मायने क्या होते हैं। रितु, चंद्रा, मुझे बताओ क्या यहां तक कहानी क्लियर है, यहां तक बात क्लियर हुई तो अब तो सवाल का जवाब फट से आने ही वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार करो और अपने पास जवाब आ रहा होगा, क्योंकि सारी कहानी आपने समझ ली है, आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है आपने वो पकड़ लिया है। अब ध्यान से देखो, यहां पर एक बार मुझे जल्दी से बता दो, ईशु ने थम्स अप कर ही दिया है, आप जानते हो कि जितने यहां पर रंग बिरंगे इमोजीज नजर आएंगे, उतना ज्यादा मजेदार तरीके से हम यहां पर बातें डिस्कस कर पा रहे होंगे, ठीक है। यहां तक अगर मुझे बातें समझ आती हैं, अब इसके बाद की कहानी हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास यहां पर देखो, यदि ए है मेरे पास दिस सेट इंटरसेक्शन क्यू, तो इसे क्या मैं ऐसे देख सकता हूं
कि मेरे पास ए कुछ और नहीं, माइनस इंफिनिटी से अपने पास क्या था, क्लोज रूट टू यूनियन, यहां पर माइनस रूट टू था, क्लोज रूट टू से इंफिनिटी इंटरसेक्शन क्यू। अब यदि आप देखने जाओ इस सेट को, इस सेट को देखने जाओ तो आपको एक चीज नजर आएगी यहां पर क्या, कि मेरे पास माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट टू, ये तो एक क्लोज सेट है, इसके सारे लिमिट पॉइंट्स इसके पास हैं, रूट टू से इंफिनिटी, क्लोज रूट टू से इंफिनिटी, ये भी एक क्लोज सेट है, और किस में बात करें, क्लोज सेट इन आर, और अपने पास दो क्लोज सेट की यूनियन क्या होती है, क्लोज सेट होती है, यानी कि मेरे पास ये एक क्लोज सेट है इन आर, क्या ये मेरे पास क्लोज सेट इन है इन आर। अब मुझे बता दो, यदि मैंने ए को इस फॉर्म में लिख दिया कि एक क्लोज सेट इन आर इंटरसेक्शन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए कहां पर क्लोज होगा, आर में या क्यू में, देखते हैं कौन जवाब देगा सबसे पहले। ए को मैंने लिख दिया क्लोज सेट इन आर इंटरसेक्शन क्यू की फॉर्म में, तो मेरे पास क्या ए हमारे पास क्लोज बन जाएगा क्यू में या नहीं, बाय डेफिनेशन क्या अपने पास ये बात सभी को नजर आती है, जल्दी से मुझे बता दो कमेंट कर। यानी कि मेरे पास ए का क्लोज सेट बनता हुआ आपको नजरों के सामने से बिल्कुल गुजरना चाहिए कि देखो ए क्लोज बन गया है। अब इन क्यू जल्दी से बताओ, ए को मैंने क्या लिख दिया, क्लोज सेट इन आर इंटरसेक्शन क्यू, विच मीन्स कि मेरे पास ए अपने पास बन गया है क्लोज्ड सेट इन क्यू। अब क्लोज सेट इन क्यू बन गया ए, क्लोज सेट इन क्यू मेरे पास बन गया। अब ध्यान से देखो, यदि मैं ए को लिखता हूं किस तरीके से, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजेदार चीज है। अब क्या रूट टू और माइनस रूट टू रेशनल नंबर्स होते हैं, आसान सवाल बट काम की बात और पते की बात, बताओ क्या रूट टू और माइनस रूट टू रेशनल नंबर्स होते हैं। मुझे लगता है कि सभी का जवाब आएगा कि नहीं होते, एक बार मुझे बता दो क्या किसी को इसमें डाउट है कि रूट टू और माइनस रूट टू रेशनल या इरेशनल होते हैं। अगर डाउट है तो इसको प्रूफ करवा देंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें पता है कि माइनस रूट टू और रूट टू अपने पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। यदि वो इरेशनल नंबर है तो यहां पर उनके होने से या ना होने से, यहां पर उसके होने से या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि मैं आपको कहता हूं, मुझे बताना कि आपको जीरो से रूट टू के बीच के रैशनल नंबर्स बताने हैं, ठीक है, या फिर माइनस रूट टू से रूट टू के बीच के रैशनल नंबर्स बताने हैं, या फिर माइनस हमारे पास रूट टू से ओपन रूट टू के बीच के रैशनल नंबर बताने हैं, तो क्या वो सेम ही बात नहीं है, क्योंकि रूट टू और माइनस रूट टू तो अपने पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर क्लोज माइनस रूट टू से रूट टू के बीच के रैशनल नंबर्स देखोगे, या फिर माइनस रूट टू से रूट टू ओपन इंटरवल इसके रैशनल नंबर्स देखोगे, तब तो कहानी सेम आने वाली है, कोई दिक्कत ही हमें नहीं आएगी। यानी कि हमारे पास यहां पर मुझे ये बात क्लियर हो गई कि यहां पर माइनस रूट टू और रूट टू का पॉइंट के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता अगर इंटरसेक्शन क्यू है। तो मुझे बताओ क्या ए को लिखने का एक और तरीका आपको नजर आता है क्या, माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट टू यूनियन, माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट टू यूनियन ओपन रूट टू से इंफिनिटी, ये भी तो मेरे पास ए ही बनेगा, जो अपने पास एलिमेंट यहां पर आ रहे थे ए में वही यहां पर आ रहे होंगे, विच मीन्स कि मेरे पास ए को हमने कैसे लिख दिया, माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट टू एक ओपन सेट, यूनियन रूट टू से इंफिनिटी एक ओपन सेट, और हमें तो पता है कि यूनियन ऑफ टू ओपन सेट हमेशा क्या होती है, एक ओपन सेट होती है। यानी कि मेरे पास ये आ गया एक ओपन सेट इन आर इंटरसेक्शन क्यू। इसका मतलब क्या बन गया कि मेरे पास जो सेट ए है वो हमारे पास हमने लिख दिया एक आर में ओपन सेट उसकी इंटरसेक्शन क्यू के साथ उसके बराबर। यानी कि मेरे पास क्या बात आ गई कि मेरे पास जो सेट ए है वो ओपन होगा इन क्यू एज वेल, विच मीन्स कि सेट ए मेरे पास क्लोज भी है इन क्यू, सेट ए मेरे पास ओपन भी है क्यू। क्या यहां पर सभी को जवाब बनता हुआ नजर आता है, क्या मेरे पास यहां पर ओपन एंड क्लोज इन क्यू बनता हुआ और ऑप्शन डी आता हुआ सभी को नजर आता है, ऑप्शन डी जिस जिस का आ गया मुझे लिख दो कि डी डन हो गया और हमारा जवाब ऑप्शन डी बन गया, जल्दी से बता दो सभी लोग।
यहां पर कोई दिक्कत कोई परेशानी आ रही हो तो जल्दी से बता दो। बनता है सभी का ऑप्शन डी। अब यहां पर कुछ खास बात करें, अब यहां पर आप लोगों ने एक बात ऑब्जर्व की होगी, ध्यान से सुनना, काफी पते की बात है। क्या? जब आप बात करते हो इन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जब आप बात करते हो इन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तब आप क्या कहते हो कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से मुझे कोई बताएगा ऐसे कितने सेट होते हैं जो ओपन भी होते हैं क्लोज भी होते हैं इन आर। शानदार बात पकड़ने जा रहे हैं, इस पर बिस्ट बहुत सवाल पूछे गए हैं, ध्यान से समझना और जवाब दो। हमारे पास इन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कितने ऐसे सेट होते हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। अगर हम देखने जाएं कितने सेट होंगे ऐसे, हमारे पास इन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ओपन एज वेल एज क्लोज कितने सेट होते हैं, देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। किस किस को नाम याद आता है हमारे पास किसका? एक तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जो कि ओपन होता है और क्लोज भी होता है। एक दूसरा सेट कौन सा होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बहुत अच्छे, चंद्रा का जवाब आ गया कि हमारे पास इन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हम जानते हैं कि सिर्फ दो ही ऐसे सेट होते हैं। अनुपम का जवाब बिल्कुल सही है, दो ही ऐसे सेट होते हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। यानी कि हमारे पास आर और फाई ही ऐसे दो सेट हैं जो कि ओपन एज वेल एज क्लोज इन आर हमारे पास हो रहे होते हैं। बट जब आपने बात की सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स के बारे में, जब आपने बात की सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स के बारे में, तो आपको क्या एक ऐसा सेट मिल गया जो ना तो एम्प्टी सेट था और ना ही पूरे क्यू के बराबर था, बट फिर भी वो ओपन एज वेल एज क्लोज बन गया इन क्यू। हमारे पास इस क्यू मैट्रिक्स स्पेस में, क्यू अंडर यूजुअल मैट्रिक्स जो आपके पास सब स्पेस बना है, इसमें आपको एक ऐसा सेट मिल गया, एक ऐसा सबसेट मिल गया, एक ऐसा प्रॉपर सबसेट मिल गया जो कि हमारे पास ओपन एज वेल एज क्लोज बन रहा है, जबकि आर में ये नहीं मिला था। शानदार बात ऑब्जर्व करने लायक, आर में हमें ऐसा सेट नहीं मिला था, जबकि हमारे पास ये सेट हमें कहां पर मिल गया? ये हमें मिलता हुआ नजर आता है क्यू में। ऐसा क्यों हुआ हमारे पास कि क्यू में मिल गया? हम जानते हैं कि यदि मेरे पास एक मैट्रिक स्पेस कनेक्टेड होता है, यदि मेरे पास एक मैट्रिक स्पेस कनेक्टेड होता है, तो कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस में सिर्फ ऐसे दो ही सेट होते हैं जो ओपन एज वेल एज क्लोज हो। ठीक है, इन अ कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस हमारे पास दो ही ऐसे, अपने पास क्या होते हैं? दो ही ऐसे सबसेट होते हैं जो ओपन एज वेल एज क्लोज हो, जो कि हमारे पास क्या बनता है? आर एंड क्यू। आर के केस में क्योंकि वो कनेक्टेड है हमारे पास, क्यू कनेक्टेड नहीं है, तो हमारे पास वहां एक ऐसा सबसेट पक्के से मिलेगा जो प्रॉपर सबसेट है, यानी कि ना तो एम्प्टी है ना अपने पास पूरे मैट्रिक स्पेस के बराबर है, बट स्टिल वो ओपन एज वेल एज अपने पास क्लोज बनता है। सो कनेक्टेडनेस एक खास चीज यहां पर निकल कर आई। ठीक है, अब बात याद आ गई कनेक्टेडनेस की। अब अगर याद आ गया है कनेक्टेडनेस, तो एक सवाल करो कनेक्टेडनेस पर, बहुत अच्छा सवाल, काफी बातें सिखा कर जाएगा। क्या? लेट एक्स बी अ कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस। ठीक है, आपको दे दिया गया कि आपके पास एक्स क्या है? कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस है। एंड एफ आपके पास एक फंक्शन है पिया कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन एफ ऑफ एक्स इज। All of R is a bounded subset of R। ये ऐसे टॉपिक है जिनसे भर भर के सवाल पूछे गए हैं। Is a bounded subset of R, is an interval in R, or option D may not be an interval in R। इसे ट्राई करो, सवाल खास है, देखते हैं जवाब किसका सबसे पहले आता है।
बताओ भाई जल्दी से। सवाल ध्यान से देखना, सवाल क्या है मेरे पास, अगर मेरे पास एक कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस है उस पर जो डिफाइन जो डोमेन हमने अगर कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस लिया है तो हमारे पास अगर मैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन यहां पर हम लेकर चल रहे हैं एफ को, तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या बन रहा होगा, एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या बन रहा होगा। इस सवाल का यूज करके हम कुछ खास बातें करने की कोशिश करते हैं। रितु का जवाब आया ऑप्शन ठीक है, अगर हमारे पास ऑप्शन बी एक इसका जवाब बन रहा है तो मुझे बताना, अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं क्या एफ फ्रॉम ओपन 01 से आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, हमारे पास 0 से 1 क्या है कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, 0 पर दिक्कत देता, बट क्या ये फंक्शन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, फंक्शन अनबाउंडेड है क्योंकि जो बात कही गई है एफ ऑफ एक्स ये क्या है रेंज सेट ऑफ फंक्शन, क्या फंक्शन मेरे पास अनबाउंडेड आता है, जैसे जैसे 0 के पास जा रहे होंगे वैसे वैसे इंफिनिटी के पास जाता हुआ नजर आएगा, राइट हैंड साइड से मैं आ रहा हूं जैसे 0 के पास, तो सारी बातें अपने पास यहां सेटिस्फाई होती है, कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस बनता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनता है, बट इमेज तो मेरे पास क्या आ गई इसकी रेंज क्या आ गई, रेंज तो अनबाउंडेड आ गई, तो क्या ऑप्शन भी गलत बना रितु, चंद्रा मोहित रितु शानदार सवाल है ठीक है, काफी बेहतर बातें सिखा कर जाएगा, क्या अपने पास ऑप्शन डी गलत हो गया, चंद्रा का आंसर ऑप्शन डी आया था कि मे नॉट बी एन इंटरवल इन आर, ठीक है देखते हैं अभी बात करते हैं। देखो याद रखना आपके बहुत सारे सवाल हो जाएंगे, मैं अक्सर कहता हूं ये कुछ चार प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखा करो अपने पास, अगर मेरे पास एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है तो, यदि मेरे पास एफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो चार बातें तो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ये चार बातें और चार की चार बहुत खास बातें हमारे पास क्या है, पहली बात एफ मेरे पास यदि एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ठीक है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई अगर मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट, इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज ऑलवेज एन ओपन सेट, यानी कि यदि मैं कोडोमेन का कोई अपने पास ओपन सेट बनाता हूं उसकी मैं इनवर्स इमेज लेता हूं अंडर दिस कंटिन्यूस फंक्शन तो पक्के से वो हमेशा क्या आती है ओपन सेट आएगी इन डोमेन, पहली बात। दूसरी बात कि मेरे पास इनवर्स इमेज ऑफ आ इनवर्स इमेज ऑफ आ क्लोज्ड सेट इज ऑलवेज अ क्लोज सेट, यानी कि आपने यदि कोडोमेन का कोई क्लोज सेट उठाया क्लोज सेट इन वाई तो पक्के से हमारे पास क्या आएगी उसकी इनवर्स इमेज अंडर कंटिन्यूस फंक्शन, पक्के से वो क्या बन रही होगी क्लोज हो रही होगी, जो अपने पास ओपन है उसकी इनवर्स इमेज ओपन बनेगी, जो हमारे पास क्लोज है उसकी इनवर्स इमेज क्लोज बन रही होगी। तीसरी खास बात हमारे पास क्या है कि इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट, अगर मेरे पास एक सेट कॉम्पैक्ट है अंडर अ कॉन्टिन्यूस मैप इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट, यदि आपने डोमेन का कोई कॉम्पैक्ट सेट उठाया और उसकी इमेज निकाली अंडर कंटिन्यूस फंक्शन तो वो हमेशा हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास हो रही होगी हमेशा कॉम्पैक्ट। और अब आई लास्ट प्रॉपर्टी जो कि सवाल का तोड़ है, क्या ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं और एमएससी एंट्रेंस में तो फेवरेट सवाल है इस तरीके के, इन चार प्रॉपर्टीज को अगर आपने याद रख लिया तो सवाल सीधे उड़ा रहे होंगे। क्या लास्ट है इमेज ऑफ अ कनेक्टेड सेट अंडर अ कॉन्टिन्यूस मैप इज ऑलवेज कनेक्टेड, इज ऑलवेज कनेक्टेड। अब यहां पर खास बातें चार बातें आपको समझ आती है, पहली बात क्या अगर एफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन ओपन होगी, ठीक है इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज क्लोज होगी, कॉम्पैक्ट सेट की इमेज कॉम्पैक्ट आएगी और कनेक्टेड सेट की इमेज कॉम्पैक्ट आएगी। अब ध्यान से देखना सवाल आपके पास क्या है,
F आपके पास कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस है, ठीक है, एंड F फ्रॉम X टू R भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि आपके पास जो F ऑफ X आ रहा होगा वो पक्के से सबसेट ऑफ R आ रहा होगा। ये हम जानते हैं कि कोडोमेन अपने पास क्या है, R है, ठीक है। अगर कोडोमेन मेरे पास R है तो यहां पर हमारे पास क्या है, हेलो देवा, देवा स्मिता का बीच में कमेंट आया था, वो मिस हो गया आई थिंक, ठीक है। तो हमारे पास यदि F of X सबसेट आ रहा है किसका, R का, तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि मेरे पास वैसे तो कनेक्टेड सेट और पाथ कनेक्टेड सेट में फर्क होता है, ठीक है, इन जनरल हर पाथ कनेक्टेड सेट मेरे पास कनेक्टेड होता है, बट हमारे पास हर कनेक्टेड सेट का पाथ कनेक्टेड होना जरूरी नहीं होता, और इसका हमारे पास काउंटर एग्जांपल क्या होता है, टोपोलॉजी साइन कर, आसान बात। बट यहां पर जो खास बात हमारे पास क्या है, यदि मैं बात करता हूं इन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स यानी कि इन आर, तो मेरे पास पाथ कनेक्टेड और कनेक्टेड में फर्क नहीं होता, यानी कि यदि पाथ कनेक्टेड है तो हम उसे कनेक्टेड कहते हैं, कनेक्टेड है तो पाथ कनेक्टेड। अब पाथ कनेक्टेड क्या होता है हमारे पास, यदि मेरे पास हम कोई भी दो एलिमेंट उठाएं सेट के और उनको जोड़ने वाला जो पाथ है वो भी सेट के अंदर मिल जाए, तब हमारे पास क्या बन जाता है, सेट पाथ कनेक्टेड बन जाता है। हमारे पास अगर कोई सबसेट ऑफ रियल नंबर है, यहां पर एस सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो अगर उसे पाथ कनेक्टेड बनना है या उसे कनेक्टेड बनना है तो उसके पास तीन ही रास्ते हैं। पहला रास्ता कि वो एम्प्टी बन जाए, हमारे पास एम्प्टी सेट क्या होता है, पाथ कनेक्टेड होता है। दूसरा रास्ता वो एक सिंगलटन सेट बन जाए, सिंगलटन सेट भी पाथ कनेक्टेड होता है, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको कोई ऐसे दो एलिमेंट नहीं मिलेंगे जिनको जोड़ने वाला रास्ता यहां पर ना मिले, ठीक है, तो ये नॉट पाथ कनेक्टेड नहीं है तो ये पाथ कनेक्टेड सेट बनेगा। एंड तीसरा मेरे पास अगर हम बात करें हमारे नाइन टाइप ऑफ इंटरवल, किस तरीके से, ओपन ए से ओपन बी, क्लोज ए से ओपन बी, ओपन ए से क्लोज बी, क्लोज ए से क्लोज बी, ओपन ए से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से ओपन ए, क्लोज ए से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से क्लोज ए, और लास्ट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये हमारे पास नो इंटरवल्स, मतलब नाइन टाइप ऑफ इंटरवल्स, 10 और 11, ये 11 ही ऐसे टाइप हो सकती हैं जिसमें से मेरे पास अगर सेट बिलोंग करे तभी हमारे पास क्या बन सकता है, तभी हमारे पास जो मेरा सबसेट ऑफ रियल नंबर है वो कनेक्टेड बन सकता है, और इन सबको हम क्या कहते हैं, इंटरवल। हालांकि इस बात पे हल्का सा कभी कभी विवाद होता है, बट अधिकतर किताबें हमारे पास इन सबको ही इंटरवल की कैटेगरी में रख रही होती, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटरवल। तो हमें पता है कि यदि मेरे पास किसी सेट को, किसी सबसेट ऑफ रियल नंबर को अगर मेरे पास क्या बनना है, कनेक्टेड बनना है, यानी कि पास कनेक्टेड बनना है, तो उसे एक इंटरवल बनना ही पड़ेगा। तो क्या मेरे सवाल का जवाब हमें नजर आ रहा होगा, ये रहा मेरा सवाल। सवाल क्या है, हमारे पास f कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, f of x को कनेक्टेड बनना था, तो वो क्या पक्के से बन रहा होगा, बताओ क्या जवाब आएगा। यदि f मेरे पास यहां पर पक्के से हमारे पास क्या बन रहा है, हमें पता है उसे कनेक्टेड बनना है f of x को, तो वो क्या बन रहा होगा, बताओ क्या बन रहा होगा, क्या वो कंप्लीट आर बन रहा होगा, नहीं, यहां पे कॉन्स्टेंट फंक्शन डिफाइन कर दो, कॉन्स्टेंट फंक्शन मेरे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास वो क्या बन रहा होगा, हमारे पास कॉन्स्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ रहा होगा, बट मेरे पास क्या नहीं बनेगा, वो होल ऑफ आर के बराबर नहीं बनेगा। हमने दिखाई दिया कि बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हमारे पास, तो हमने बात करी ली कि नहीं बन रहा है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, विच मीन्स वो पक्के से इंटरवल बन रहा होगा। सभी का क्वेश्चन क्लियर हुआ, सभी का क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब एक सवाल जिस पर की, और ये देखो ये चार सवाल है आपके सामने, ध्यान रखना ये सवाल घूम घूम कर अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, इन पे स्टार लगा लो, ठीक है, इन पर बल्ब जगा लो, ये चार प्रॉपर्टीज याद रखना। अगर कंटिन्यूटी है, कोई सवाल आपसे नहीं हो रहा है पेपर में, तो ये चार प्रॉपर्टीज होंगी जो कि आपको वहां पर बचाने के लिए काम आ रही होंगी, ठीक है। यदि कोई ऐसा सवाल आ जाता है जो कि हाथ से बहुत बाहर निकल रहा है, तो ये वो चार प्रॉपर्टीज होंगी खास जो कि आपको उस सवाल को सोल्व करने में मदद कर सकती है, तो इनको अपने साथ रखना, अपने पास रखना हमेशा। अब एक सवाल करो, सवाल क्या है, सवाल है कि द सीक्वेंस 2 की पावर n प्लस 1
3 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n, ठीक है। सवाल आसान है बट इसका कॉन्सेप्ट हमें काफी काम आएगा। कन्वर्ज टू ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5, ठीक है। बी कैसे डिस्कार्ड हुआ देखो सामने से, मोहित का सवाल है कि बी कैसे डिस्कार्ड हुआ, क्या ये सवाल बिल्कुल दिल दुखाने वाला है? बताओ बाकी सभी लोग मोहित को एक बात कि बी ऑप्शन कैसे डिस्कार्ड हुआ, बी कैसे डिस्कार्ड हुआ, या फिर हम इसे ऐसे कहें मोहित को कि बी ही तो है जो सबसे पहले डिस्कार्ड हुआ, हाँ या ना? बी ही तो था जो सबसे पहले डिस्कार्ड हुआ था, देखकर कि मेरे पास यहां पर इसका क्या आना जरूरी नहीं है, इसका मेरे पास बाउंडेड आना जरूरी नहीं है। ध्यान से देखो, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा कुछ ग्राफ नजर आएगा, देख पा रहे हो इन्फिनिटी के पास भागता हुआ, आया ना? आई थिंक बीच में कहीं पर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, क्लियर है मोहित? आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास इस सवाल में खास बात है, सवाल बार बार पूछा जाता है, पहले डीयू के एग्जाम में पूछा गया, आईआईटी जैम में पूछा गया, ठीक है, बीएचयू में पूछा गया, देन उसके बाद इस साल ही आप लेकर चलो आईआईटी जैम 2022 में इसी से मोटिवेटेड सीरीज पर सवाल पूछा गया, जो कि इसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा है, क्या हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए की पावर एन जीरो होती है अगर ए मेरे पास माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है, ये बात आप सब अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है, तो उस लिहाज से सवाल भी काफी आसान बनता है। सवाल हमारे पास क्या है, लिमिट निकालनी है आपको एन टेंस टू इंफिनिटी 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n। हमारे पास देखो सभी लोगों का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया, यानी कि अपने पास सीक्वेंस ऐसा कोई सवाल आया तो जो जो लोग यहां पर मौजूद है कोई भी छोड़ेगा नहीं उसे, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। जिसको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है वो हमारे साथ मिलकर देखो और बाकी सभी लोग भी उसकी सहायता करने की कोशिश करो। क्या मुझे बताना सभी लोग, क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ किया कि यहां से 3 की पावर n प्लस 1 को कॉमन ले लिया, आया ना? क्या इसी दिशा में बढ़कर काम किया कि 3 की पावर n प्लस 1 को कॉमन ले लिया, यदि इसको कॉमन लिया तो अंदर क्या बन गया, 2 बाय 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 1, हाँ या ना? एक बार मुझे बता दो बस सभी लोग, नीचे से 3 की पावर n कॉमन लिया तो क्या बन गया, 2 बाय 3 की पावर n प्लस में 1। अब 3 की पावर n से 3 की पावर n प्लस 1 कैंसिल होते एक 3 बच गया, लिमिट यदि गई n टेंड्स टू इंफिनिटी तो हमारे पास 2 बाय 3 n की पावर n प्लस 1 ये 0 के पास जा रहा है, देन 2 बाय 3 की पावर n ये भी 0 के पास जा रहा है, यानी कि मेरे पास ऊपर 3 इंटू 1 बाय 1 मेरे पास 3 बच गया और आपका आंसर क्या बन गया, 3 आ गया। अगर किसी को दिक्कत है तो इस तरीके से बहुत आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है, शानदार, अपने पास ये कॉन्सेप्ट है, काफी जगह मदद करता है, सभी लोगों ने इसी तरीके से किया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, आज के लिए 2 क्वेश्चन आप लोगों के, ठीक है, हमारे पास द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस स्क्वेयर रूट ऑफ एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 माइनस एन एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी इज क्या आएगी, ऑप्शन ए रूट 2 माइनस 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 3 बाय 2 एंड ऑप्शन डी 0। पहला सवाल आप लोगों के लिए ये है, ठीक है, करना क्या है ध्यान रखो, ये 2 सवाल आप लोगों के लिए आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपके लिए एज अ टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला सवाल ये आसान सवाल है बट गलती नहीं करते, इस सवाल को सोल्व करके आज सभी को कमेंट में इसका आंसर बताना, क्योंकि लेक्चर के बाद वहीं पर मैं आपके कमेंट्स देख पाऊंगा, ठीक है, जिसका जवाब ठीक आएगा तो आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के हर एक के कमेंट पढ़ता हूं, अगर कहीं पर कोई छोटी मोटी गलती कर देता है तो मुझे हमेशा देखने को मिलता है कि बाकी सभी लोग उसको ठीक कर देते हैं, मतलब डिस्कशन वहां पर काफी अच्छा हो जाता है, तो अगर वहां पर कोई दिक्कत आई तो मैं आप लोगों के लिए तो वहां पर मौजूद हूंगा ही,
बट आप सभी को वहां पर आंसर में कमेंट में लिखना है कि ये आंसर आया, पहला सवाल। दूसरा सवाल आप लोगों के लिए क्या है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन 1/2 की पावर n x की पावर 3n इज 0 से इंफिनिटी, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी इंफिनिटी, ऑप्शन सी हाफ एंड ऑप्शन डी 2 की पावर 1/3। ठीक है, दो क्वेश्चंस ये हैं और एक लास्ट क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चंस को नोट कर लो एक बार सभी लोग, दो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताते चलो। यहां तक की बातें क्लियर है, सभी लोग नोट कर चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, लेट fn इक्वल टू -1/n to 1/n, ऐसे सवाल बहुत पूछे गए हैं, फॉर ईच n बिलोंग्स टू n। यहां पर क्या पूछा गया है, एंड लेट आपको f दे दिया गया है, इंटरसेक्शन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी fn, देन f कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ऑप्शन बी जो सुप्रीमम आएगा मोड एक्स माइनस वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ इक्वल टू 0 आएगा, ऑप्शन सी जो इन्फीमम आएगा मोड एक्स माइनस वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ ये 0 आएगा, एंड ऑप्शन डी एफ इज अ क्लोज सेट। ठीक है, तीन क्वेश्चन आपके सामने है, तीन क्वेश्चन सभी लोगों के सामने हैं और एक आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, ये आज की सुबह के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, काफी अच्छा क्वेश्चन, तो आई होप कि आप लोगों को भी क्वेश्चन पसंद आएगा। पहले पूछा गया क्वेश्चन है बट एक काफी शानदार क्वेश्चन है, इस तरह की बातें खूब पूछी जाती हैं जो कि लैंग्वेज बेस्ड है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में भी लास्ट, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो ट्राई करना है, ये अच्छी प्रैक्टिस करवाएगा आपकी, क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग Does not imply a equal to 0. Option A, for all epsilon positive, 0 less than equal to a less than epsilon. For all epsilon positive, 0 less than equal to a less than equal to epsilon. For all epsilon positive, minus epsilon less than a less than epsilon, and option D, for all epsilon positive, a is less than epsilon. ठीक है, तो ये चार क्वेश्चंस है, इन चारों क्वेश्चंस के आंसर कुछ लोगों ने यहां पर आंसर दिए, बट चारों के क्वेश्चन को ट्राई करना और आंसर कमेंट में मुझे चाहिए होंगे। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चंस को ट्राई करना, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बाकी बातें हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे होंगे, जब भी मिलने का मौका मिलेगा कुछ बेहतर बातें सीखेंगे साथ में मिलकर। आई होप कि आज के जो हमारे कुछ खास क्वेश्चन थे उनमें हमने जो उनके इर्द गिर्द की बातें हैं जो पूछी गई थी वो तो देखी ही, साथ ही साथ जो बातें आगे भविष्य में पूछे जाने के चांसेस हैं जो कि बहुत पूछी जाती हैं वो भी हमने साथ में सीखी। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में आप कर सकते हो, वीडियो के नीचे, कोशिश करेंगे साथ में मिलकर चीजों को बेहतर करने की। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से मजे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलना होगा आगे, आगे चलकर और सारी चीजें सीख रहे हैं। तो अगेन थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन।